ब्लैक कलर हो या फिर कोई और कलर हो, तो अगर आप मान लो किसी गाड़ी के ऊपर पीपीएफ कोटिंग कराना चाहते हो या फिर कोई भी डिटेलिंग काम कराना चाहते हो ना गाड़ी के, तो ये एक डिटेलिंग माफिया है। जो इनका एड्रेस है और जो कॉन्टैक्ट नंबर है आपको मैं नीचे स्क्रीन में शो कर दूंगा। एक नंबर का जो काम है यहाँ पे होता है। तो आज की वीडियो में ना हम लोग बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो एन और फॉर्चूनर के बारे में, क्योंकि दोनों, जैसे महिंद्रा बोल रही है कि ये भी एक डी सेगमेंट की गाड़ी है, तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। प्राइस डिफरेंस देखोगे तो इनके अंदर 16 लाख का आता है। इन पर्टिकुलर वेरियंट कंपेयर करोगे तो ये है इसका Z8 लग्जरी 4x4 वेरिएंट है डीजल के साथ में, और ये है इसका 4x2 वेरिएंट डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। गुड़गांव हरियाणा में जो इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस पड़ता है वो है 44 लाख रुपीज़, एंड जो इसका प्राइस पड़ता है वो है 27,90,000 रुपये गुड़गांव हरियाणा में पड़ता है। बाकी अलग जगह पर जो ये प्राइस है वेरी कर सकता है। तो भाई जैसे ब्लैक कलर है ना, देखो इनकी मेंटेनेंस तो ज़्यादा होती है, तो इन गाड़ी पे अगर आप डिटेलिंग वगैरह करा लेते हो ना तो काफ़ी बड़े रहते हो। सबसे पहले ना इनके फ्रंट प्रोफाइल से देखोगे आप, ये गाड़ियाँ दोनों ही गाड़ियाँ भाई काफ़ी ह्यूज सी लग रही हैं। ब्लैक कलर के अंदर दोनों ही बीस्ट सी लग रही हैं। इसके अंदर जो हेडलाइट दी गई है प्रोजेक्टर वाली दे रखी है एलईडी में, फोग लाइट भी प्रोजेक्टर वाली दे रखी है। इस गाड़ी में क्या है, आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं बट कोई कैमरा नहीं मिलता है। अब इस नीचे वाली में देखोगे, मतलब प्राइस में कम है, तो इसके अंदर क्या है आपको कैमरा भी मिल जाता है और पार्किंग सेंसर भी गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। बाकी इसके हेडलाइट भी जो आपको प्रोजेक्टर एलईडी वाली मिलती है, लो बीम में, हाई बीम में एलईडी वाला काम करेगा, फुली एलईडी वाला जो सिस्टम दे रखा है रिफ्लेक्टर बेस, और जो फोग लाइट है वो भी इसकी एलईडी में मिलती है। अब दोनों ही गाड़ियां इतनी ह्यूज बना रखी है, इनकी डाइमेंशंस देखोगे ना तो जो फॉर्च्यूनर है ना सिर्फ लेंथ में ज्यादा लंबी है 133 mm, बाकी जो विड्थ है इन दोनों गाड़ियों में डिफरेंस बताऊंगा, इसके अंदर 62 mm ज्यादा चौड़ी है। व्हील बेस भी स्कॉर्पियन का ज़्यादा है, 5 mm ज्यादा है, और जो हाइट है वो भी स्कॉर्पियो एन की ज्यादा है, 22 mm इसके अंदर ज्यादा दी गई है। प्राइस डिफरेंस ज़्यादा है, एक अकलमंदी वाली चॉइस अगर आप चाहते हो तो जो स्कॉर्पियो एन है भाई यही अपनी लिस्ट में कंसिडर करें। बाकी वेटिंग आपको पता है काफ़ी ज़्यादा है। अगर जैसे चाहते हो कि भाई मेरे पास बहुत ही ज़्यादा आवले वावले से रुपए पड़े हैं, तो जो फॉर्चूनर है आप इसको परचेज कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भाई अच्छा मिल जाता है दोनों ही गाड़ियों में, दोनों ही गाड़ियों में आपको स्टेप्स मिल जाते हैं। जो स्कॉर्पियो एन है ना भाई इसके अंदर टायर अपग्रेड करा दिए, मिशलिन के टायर जो है इसके अंदर में नहीं आते हैं, और जो प्रोफाइल मिलती है ना वो आपको 255 वाली मिलती है, बट इसके अंदर क्या है 260 वाली प्रोफाइल लगा रखी है। बाकी 60, 8, 18 R18 के इसके अंदर मिलते हैं। फ्रंट इसका, रियर भी इसके अंदर डिस्क आता है, और जो अपनी फॉर्चूनर है ना भाई इसके अंदर जो प्रोफाइल मिलती है कहाँ पे गई, ऑल टेरेन के टायर दे रखे 265, 65 R17 के मिलते हैं, 18 इंच दे रखे और इसमें 17 दे रखे हैं। स्कॉर्पियो एन में क्या है, ORBM के नीचे कोई पडल लैम्प मिलते हैं और ना ही कोई डोर्स पे जो आपको स्टॉप लैम्प मिलते हैं, बट जो फॉर्चूनर है ना इसके ORBM के नीचे आपको पडल लैम्प मिल जाते हैं और हर एक डोर पे जो है आपको यहाँ पे लैम्प भी मिल जाते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर भी गाड़ी में मिल जाता है, ड्राइवर साइड पैसेंजर साइड दोनों ही गाड़ियों में। इसके अंदर क्या है, क्रोम के डोर हैंडल सिर्फ यहाँ पे दे रखे हैं, और जो फॉर्चूनर है इसमें क्रोम डोर हैंडल्स यहाँ पे मिलेंगे। ब्लैक कलर है, ब्लैक शीशे होने के बाद बहुत ही जबरदस्त गुंडे वाली फील आती है। दोनों गाड़ियाँ ऐसे हैं कि जैसे मान लो एक बहुत ही रिच पर्सन है, वो एक तरफ में अगर इसके बजट में सफारी लोगे ना तो उसमें बैठते हुए हिचकिचाएगा, और जैसे स्कॉर्पियो लोगे ना तो उसमें बैठते हुए वो भाई बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा, क्योंकि एक क्वालिटी वाली चीज़ आ जाती है, और यही चीज़ इस फॉर्चूनर में है। बेशक वो जैगुआर वाला आदमी हो तो इसमें बैठेगा ना तो उसको भाई कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी गुंडागर्दी वाली टाइप की, इस टाइप की हर तरीके की जो फील है आपको देंगी। इसके अंदर मिल जाती है 57 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, फॉर्चूनर के अंदर मिल जाती है 80 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। टेल लैंप दोनों ही गाड़ियों में जो आपको एलईडी वाली मिलती है, डिफोगर वाइपर दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है, पीछे कैमरा भी मिल जाता है, पार्किंग सेंसर भी दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है। स्पेयर व्हील की जो प्लेसमेंट है दोनों ही गाड़ियों में नीचे की तरफ में दी गई है, बट अब डिफरेंस आएगा जैसे आप इसकी टेलगेट ओपन करोगे तो ये मिल जाती है आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट वाली, और जो ये स्कॉर्पियो एन है इसके अंदर आपको सिंपल इस तरह की जो है टेलगेट मिलती है। स्पेस वाइज देखोगे तो जो ये फॉर्च्यूनर है भाई तीनों रो अप होने के बाद इसके अंदर आपको ज़्यादा स्पेस मिलता है, बाकी थर्ड रो की सीट जो है इनको डाउन करके आप ऐसे ऊपर कर दोगे तो आपको अच्छा सा स्पेस मिल जाता है, पूरा ना फ्लैट सा स्पेस मिलता है, तो स्पेस इसके अंदर ज़्यादा मिलता है तीनों रो अप होने के बाद भी, और थर्ड रो है उसको अप करने के बाद भी, मतलब उठाने के बाद भी। इसका जैसे आप बूट स्पेस देखोगे ना स्कॉर्पियन का, इसमें क्या है सीट
इस तरीके से टक्की नहीं होती जैसे फॉर्चुनर में देखी थी, या फिर इसके अंदर 60-40 नहीं मिलती है जैसे कि अपने नॉर्मल आती है कि वो फ्लैट फोल्ड हो जाए सफारी की तरह, इसके अंदर आती है तो पता ही होगा यार, रिव्यू काफ़ी देख लेंगे, इस तरीके से जो है फोल्ड कर सकते हैं। नो डाउट फॉर्चुनर है उसी के अंदर जो आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। अभी चलते हैं इनके इंटीरियर्स में और फिर बताते हैं भाई इनके अंदर क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। अब स्कॉर्पियो एन का आपको इंटीरियर्स दिखाता हूँ। जैसे देखोगे ना सिर्फ इस गाड़ी में क्या है, यहाँ पे ही जो आपको लेदर का वर्क मिलेगा। ड्राइवर साइड सीट ही जो है इसकी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आएंगी, पैसेंजर वाली इसकी मैनुअली आएगी। यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर के लिए बटन दे रखे, लाइट लेवलिंग का, इंजन स्टार्ट स्टॉप का, और जो लेदर का वर्क आएगा ना इस गाड़ी में सिर्फ यहाँ पे बीच की तरफ में ही आएगा और बाकी कहीं भी लेदर का वर्क नहीं आएगा। 8 स्पीकर इस गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं, ट्विटर और स्पीकर दोनों मिला के। और जैसे एक बार ना गाड़ी को ऑन कर लेते हैं, इधर से ये कर ली मैंने ऑन, इसको ऑफ कर देते हैं। 8 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले आएगी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेसली है। 2 जोन इसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल आ जाएगा, ये बढ़िया चीज़ है। ये हिल डिसेंट है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, ये आपका हैजार्ड लैंप है, आइडल इंजन ऑन ऑफ है, कैमरा के लिए SOS का दे रखा है, वायरलेस चार्जिंग भी जो है गाड़ी के अंदर मिल जाती है। गियर नॉब देखने कुछ इस तरह का है, टेरेन मोड्स भी इसके अंदर मिल जाते हैं। ये ना आप इसको जैसे चलते चलते भी कर दोगे ना तो आपकी 4 हाई में भी जो है एंगेज हो जाएगी, जैसे देखो ये 4 हाई में ऑटोमेटिकली एंगेज हो जाएगी और 4 लोग भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। आर्म रेस्ट इसका बिल्कुल छोटा सा ही जो आपको मिलता है, IR भी मैनुअल वाला मिलता है। बढ़िया चीज़ क्या भाई, इसमें आपको सनरूफ भी मिल जाती है जिसका साइज बिल्कुल बढ़िया है। ऊपर की तरफ में स्पीकर्स भी मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील जो है इसका वो आपको सिर्फ टिल्ट फंक्शन के साथ ही मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं आता है। ऑटो हेडलैम्प्स भी गाड़ी मिल जाते हैं, ऑटो वाइपर भी गाड़ी मिल जाते हैं, म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। बीच में जैसे देख रहे हो ना ये आपको 7 इंच की इसके अंदर डिजिटल डिस्प्ले मिलती है, जिसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से जो है कंट्रोल कर सकते हैं। नेविगेशन भी इसमें शो कर देता है। ग्लोव बॉक्स देखोगे तो ये थोड़ा सा आपको छोटा सा ही मिलता है। वेंटिलेटेड सीट्स जो हैं इस गाड़ी में मिलती है। विजिबिलिटी वगैरह बहुत बढ़िया आती है, जो व्यू है बहुत ज़्यादा तगड़ा सा जाता है। 6 एयरबैग जो है इस गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं। कंफर्ट वगैरह भाई सही में बहुत बढ़िया से। अब सेकंड रूम जैसे देखोगे ना तो इन सीटों को ना आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो, सिर्फ इनका रेक्लाइनिंग एंगल जो है एडजस्ट कर सकते हो। जो 40 स्प्लिट वाली सीट है ना वो उसको ही आप टंबल फोल्ड कर सकते हो, और करके दिखाइयो जैसे पीछे जाने जाते हो तो 40 स्प्लिट वाली को जो है टंबल फोल्ड होगा। अगली सीट अगर आगे करनी पड़ेगी हाँ ये टंबल फोल्ड हो जाएगी, बट जो 60 स्प्लिट वाली है ना इसको आप टंबल फोल्ड नहीं कर सकते हो। 2 ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे रखे हैं, बीच में एक छोटा सा हेडरेस्ट आर्मरेस्ट मिल जाता है 2 ग्लास होल्डर के साथ में। एयर वेंट यहाँ बीच की तरफ में दे रखे हैं जो कि एयर फ्लो बहुत बढ़िया है। सी टाइप के यहाँ पे शॉकेट दे रखे हैं। नी रूम और जो लेग रूम है ना एक नंबर का मिलता है, अगर बैठ के दिखा फटाफट ऊपर कर दें। अब इधर आकर बैठ जा, इधर आकर बैठ जा, रुक इसने अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता हूँ एक बार। ये बहुत ही ज़्यादा रेक्लाइन हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा पीछे हो रखी है, ये मेरे हाइट के अकॉर्डिंग हो गई है। और इसके अंदर ना फुट स्टेप्स की भाई सही में ज़रूरत पड़ती है। ये देखो 6 फुट का आगे बैठ गए ना तो पीछे भी नी रूम बढ़िया है, लेग रूम भी जो है गाड़ी में बढ़िया मिल जाता है। अंडर थाई स्पॉट रेक्लाइनिंग तो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है, मस्त एक थर्ड रूम बैठ जाए इसकी फटाफट। मतलब ओवरऑल कंफर्ट इस गाड़ी का काफ़ी बढ़िया से मिल जाता है सेकंड रो में, और थर्ड रो का तो यार आपको पता ही है फॉर्चुनर में भी अब कंपेयर हो जाएगा साइड बाय साइड। मतलब रेक्लाइनिंग वाला ऐसा कर लेते हैं यार जो अगले वाले को खुश बैठ जाता, ठीक है। ये लोग ग्रिप रहेगी तो भी कोई खास दिक्कत नहीं। अंडर थाई स्पोर्ट कम है, जो नी रूम है वो कितना है दिखाइए, नी रूम भी ठीक है, हेड रूम भी भाई ठीक से मिल जाता है। मतलब रेक्लाइनिंग एंगल इसका हो रखा है तो भी जो है काम चल जाएगा 5-7 के लिए। अब फॉर्चुनर में आएगा साइड बाय साइड ही कंपेयर हो जाएगा। इसके अंदर भी क्या करते हैं जो ड्राइवर वाली सीट है ना उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देता हूँ और फिर जो है इसकी सेकंड रूम बताएंगे। अब इस साइड बाय साइड ना एक नंबर का सा कंपेयर हो जाएगा। देखो ये ड्राइवर इसमें भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, बट इसके अंदर क्या है पैसेंजर वाली भी आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाती है। भाई उसके अंदर बैठ के मेरे को ज़्यादा ऊँची फील आ रही थी, इसमें क्या है जो सारा पार्ट है ना ये ऊपर ऊपर से लग रहा है मेरे को। रेक्लाइन एंगल और कर देते हैं यहाँ से, ठीक है यार वो तो है ही, फॉर्चुनर तो फॉर्चुनर है ही बेशक कुछ भी हो फॉर्चुनर तो फॉर्चुनर ही है। एक जो फील आती है ना वो फॉर्चुनर में आती है। गर्मी बैठ जल्दी बैठ, टाइम वेस्ट नहीं। इसमें क्या है दोनों सीटें आपको टंबल फोल्ड वाली मिल जाती हैं और इनको ना आप आगे पीछे भी कर सकते हैं जिसका आपको यहाँ पे दे रखा है। अरे पहली अगली तो कर ले तो खसम, चल तू पीछे बैठ गया पीछे बैठ जा कर उसके ऊपर। ये देखो इसका रेक्लाइन भाई थोड़ा स्कर्ब। अब यूँ बता दे भाई कौन सा बेटर है या कौन सी में सेम है या सेम है अलग है वो बता दोनों में। अगर एको रेक्लाइनिंग कर दियो तो कोई डर जाए तो कौन सी में बेटर है
मतलब तू मान ले इसमें रेकलाइन सेम है या कम है इसमें, अब ये बस वाली सीट का कम लग रहा है, कम है ना, तो मैंने तो ऐसा लग रहा है कि इसका अंडर थाई स्पोर्ट इसकी ज्यादा बढ़िया है, ये सेम है ना ना भाई, कंफर्टेबल ही भाई वाई थी ये पीछे से पिछली वाली सीट भाई रेकलाइन हो जाए ये कुछ बेटर है, पर यार रेकलाइनिंग करती है का पैर हट जाएगा ना, और देखो हेडरूम का ना अलग काट रखा है, हेडरूम भी थोड़ा सा कम है, तो ये चीज है, तो किस में बेटर बताओगे तू? मैं स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन आ जा बाहर सेकंड रो में बैठ फटाक देनी सी, और अब इसकी सेकंड रो में आपको दिखाता हूँ कैसा कंफर्ट मिलता है, अगर 6 फुट का आगे उस वाली सीट के पीछे जाओ, उस वाली सीट के पीछे पता किस में ज़्यादा बढ़िया है, नी रूम लेग रूम था इसमें बढ़िया है, नी रूम लेग रूम इसमें बढ़िया है ठीक है, और रेक लाइन एंगल इसका तो बहुत एडजस्ट हो जाएगा, हेड रूम वगैरह वो तो इतना खुली खुली फील किस में थी, खुली खुली फील किस में थी, दोनों हम सेम आ गए, किसी सा काड़ा है तो थोड़ी सी कम लग रही है, बाकी सेम ही आ गए ठीक है, और पीछे एयर के वेंट देखो ना इसमें ऊपर की तरफ दे रखे हैं, हमें ज्यादा आ रही है क्योंकि हमें थोड़ी सी एक सनरूफ भी है ऊपर, तो एक हल्की सी वाह आ जाएगी, हां है कुछ रोशनी के साथ। यस, अब अगर तू खिड़की खोल दे मैं आगे का इंटीरियर्स बताता हूं, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें मिल जाती हैं वो दिखाता हूं, ये देखो भाई इसके अंदर क्या है, यहाँ पे भी जो आपको लेदर का वर्क मिल जाएगा, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट तो मैंने बता दी थी, इसके अंदर भी स्पीकर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, ये इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच दे रखा है, फ्रंट पार्किंग सेंसर के लिए, DAF का, टेलगेट को खोलने के लिए, फ्यूल लीड खोलने के लिए, एंड इसके हुड को ओपन करने के लिए, इसके अंदर क्या है जैसे आप फ्यूल लीड खोलना चाहते हो ना स्कॉर्पियन के अंदर, तो वो दबा के ओपन हो जाती है, बट इस फॉर्चुनर में क्या है वो आपको अंदर से ही जो है ओपन करनी पड़ती है, और जो फॉर्चुनर का स्टीयरिंग व्हील है ना आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन के साथ मिल जाता है, म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल है यहाँ पे, आपका MID कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल है, ऑटो हेडलैम्प्स एज वेल एज ऑटो वाइपर मिल जाती है, टैकोमीटर स्पीडोमीटर दोनों चीजें एनालॉग, बट उसके अंदर क्या है यहाँ पे डिजिटल क्लस्टर था इसके अंदर स्कॉर्पियन के अंदर, बट इसके अंदर बिल्कुल छोटा सा दे रखा है, बट इसके अंदर भी जो आपका गाना वाना चलता है ना ब्लूटूथ वगैरह आता है तो वो शो कर देता है, बाकी नेविगेशन इसके अंदर शो नहीं करता है, इसमें क्या है यहाँ पे सॉफ्ट दे दिया, यहाँ पे पूरा हार्ड है, यहाँ पे सॉफ्ट दे दिया, और यहाँ पे जो इसके अंदर सॉफ्ट मिल जाता है, इसके अंदर भी जो है आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, टच स्क्रीन डिस्प्ले भाई दोनों की अच्छी सी मिलती है, बट मुझे ना इसकी ज़्यादा पसंद आ रही क्योंकि थोड़ी फिट फिट सी है, उसकी क्या है साइड में थोड़ी सी बाहर से निकली मिलती है, वेंटिलेटेड सीट इसमें मिल जाती है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, 6 स्पीड गियर बॉक्स आता है टॉर्क कन्वर्टर के साथ में, वायरलेस चार्जिंग जो है इस गाड़ी में नहीं दी गई है, यहाँ पे आपको गियर दे रखा है, गियर का तो पता ही है कुछ इस तरीके का गियर नहीं मिलता है, इको नॉर्मल स्पोर्ट्स मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच है, आर्म रेस्ट का स्पेस इसके अंदर में ज़्यादा मिलता है, बाकी जैसे विजिबिलिटी की बात की जाए ना तो भाई जो जैसे इसका जो ये वाला पार्ट है ना पूरा डैशबोर्ड वाला ये थोड़ा सा ऊपर से महसूस होता है, बाकी ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी उसके अंदर आ रही थी, उसके अंदर क्या जो पोजीशन है ना सीट थोड़ी सी ऊपर से महसूस हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था मैं बहुत ज़्यादा ऊंचा से बैठा हूँ, ऊंचा से इसके अंदर बैठा हूँ, बट उसके अंदर ज़्यादा ऊंचाई वाली फील आ रही थी इस डैशबोर्ड की वजह से, बाकी इसका बोनेट भी पूरा एज टू एज वाला ही दिखता है, इसके अंदर क्या है इलेक्ट्रोक्रोमिक आईआर भी हमें, सनग्लास होल्डर है, LED में रीडिंग लैंप्स भी इसके अंदर में मिल जाते हैं, दोनों में ही आपको लैंप और जो है या आपको मिरर दोनों ही गाड़ियों में जो है मिल जाते हैं, उसके अंदर LED मिलते हैं बट इसके अंदर क्या थे हेलोजन बल्ब के साथ में दे रखे थे, तो ये पीछे का कंफर्ट तो मैंने आपको बता दिया, और जिसमें एयर के वेंट्स है ना यहाँ ऊपर की तरफ में मिलते हैं जिनके आप एयर फ्लो को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ पर मिल जाता है 12 वोल्ट का सॉकेट, कोई सी टाइप सॉकेट जो है इस गाड़ी में नहीं मिलता है, बाकी जो ORVMs हैं दोनों ही गाड़ियों के आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल दोनों फंक्शन के साथ में मिल जाते हैं, जो ये फॉर्च्यूनर है ना इसके अंदर तो मिल जाता है आपको 2.8 लीटर का इंजन जो कि आपकी 201 हॉर्स पावर और 500 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, इसके अंदर क्या है आपको हाइड्रोलिक स्टड्स नहीं मिलते, काफ़ी बड़ा सा इंजन है, और जिस गाड़ी को स्टार्ट करके मतलब एक्सेलरेट सा करते हैं ना खड़ी खड़ी नॉर्मल पोजीशन में भी तो भी भाई गाड़ी इस तरीके से करते हैं, तो पावरफुल तो है भाई गाड़ी के अंदर इंजन, बाकी जो इसका मैनुअल ट्रांसमिशन है उसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है उसके गियर में बहुत टाइट सा लगता है, बट इसका जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो काफ़ी स्मूथ सा है, इसके अंदर मिलता है 2.2 लीटर का MOK इंजन, इसके अंदर भी हाइड्रोलिक स्टड्स नहीं मिलते हैं, ये प्रोड्यूस करता है 172 हॉर्स पावर और 400 Nm का टॉर्क, ये ओए हुड इसका भारी लग रहा भाई, सच में यार मैंने इसका भारी लगा, फॉर्चुनर तो ज्यादा है मैंने तो हुड भाई इसका भारी लगा, वैसे 19-20 का फर्क हो बट इसका ज्यादा भारी दिया गया है, तो गाइज यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।